मेरे पिताजी की सिर पर बांधा, वो ताज मेरे सिर पर होना चाहिए। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, हम करें तो क्या और कैसे ये राज हमें मिले, हम बहुत परेशान हैं। मैंने सोच लिया, चुप, मैं पहली बार डाकू लाखन सिंह को रात दरबार में देखा, तभी से मेरे दिल में आइडिया आया, हम क्यों ना डाकू लाखन सिंह को अपना मोहरा बनाए और उससे झूठा प्यार का नाटक चलाकर इस राज को अपने वश में कर लूं, बचेंगे मेरे पिताजी, अपने पिताजी को इस दुनिया से उठा दूं, इस रियासत की कोई मलका कहलाए तो वो हो राजकुमारी नैना। ये पर्दा एरिया राजकुमारी नैना की नाम की जय जयकार करे। लेकिन हम लाखन सिंह से मिले तो कैसे मिले, लाखन सिंह के ऊपर लोहा सिंह का बहुत कड़ा पहरा है। फिर कोई बात नहीं, चलती हुई इस वक्त मैं लोहा सिंह के पास उसे बड़ी बड़ी लाला दूंगी, उसे दांत दिखाऊंगी, कहूंगी एक घंटे के लिए हमें लाखन से मिलना है, हमें मिलने का चांस क्यों नहीं देगा लोहा सिंह, है तो मेरा नौकर, जो हम कहेंगे वही करेगा। पिताजी आपने ये राज हमें ना देकर अच्छा नहीं किया, मैं ऐसी लड़की हूं कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हूं, अगर कर मेरा फायदा हो तो अपने फायदे के लिए मैं अपनी जनता को भी शूट कर सकती हूँ, सच में मेरा फायदा हो तो अपने फायदे के लिए मैं अपने दरबार के कर्मचारियों को भी शूट कर सकती हूँ, सच में मेरा फायदा हो तो अपने फायदे के लिए पिताजी मैं तुझे भी गोली मार सकती हूँ। आपने इस राज बहन ने बेटी नहीं बल्कि नागर पाना है, मैं कब कब तुम्हें नागर बनकर दस्त हूँ ये तुम्हें खुद पता नहीं पिताजी के हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, देखते जाना इस रियासत में क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लाखन सिंह से मिलने चलती हूँ, उसके बाद अगला प्लान इस पर रख के वाह महामंत्री संग्राम सिंह, मैं दरबार में सिपाही बनकर रह रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। कौन? राजकुमारी जी आइए। लोहा सिंह, हम आपके पास कुछ जरूरी खास काम के लिए आई है। राजकुमारी जी बुलवा लिया होता मैं स्वयं आ जाता। लोहा सिंह, कुछ ऐसा काम पड़ा है जो कि मुझे आपके पास तक आना पड़ा। फरमाइए। है मैं बतलाती हूँ, एक घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, अरे जेल अंदर जाऊंगी, वापस
बदले इनाम क्या मिलेगा? इसके बदले में तुम्हें दूंगी 25 मोहरे सोने के। 25 मोहरे वो भी सोने के? जी हाँ, इसके बदले में तुम्हें दूंगी 25 मोहरे सोने के। और अच्छा भी तो जेल की जल्दी वापस राजकुमारी जी, जी ये रही जेल की चाबी। लेकिन देखना, एक गरीब के पेट का सवाल है राजकुमारी जी। वाहसिंह, क्या तिलखा में तुम्हें और तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं हो सकता? वाह राजकुमारी, तुम्हें लगा होगा कि लोहा सिंह तुम्हें डर रहा है, अभी दे दिया। नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर राजकुमारी जी कैदी लाखन से क्या बात करती हैं और उसके साथ क्या करती हैं। मैं जेल में बैठकर देखूंगा व सुनूंगा कि राजकुमारी जी तुम कहां तक जा सकती हो। दरबार, जेल का फाटक खोल दिया जाए। लाखन जेल में, ठीक है। सबसे पहले मैं लाखन सिंह को जेल से बाहर करती हूँ, उसके बाद अपनी फिर की बात मैं इससे करती हूँ, देखती हूँ हमारी सवाल का जवाब क्या देता है। लाखन सिंह, तुम मुझे पहचानते तो होंगे? इतना तो अकेले कि तुम मुझे पहचानते हैं। हाँ, मैं महाराज की बड़ी राजकुमारी, मेरा नाम राजकुमारी नैना, और तुमसे मिलने जेल तक भी आई। मिलने से पहले, सवाल करने से पहले मेरे दो उसूल हैं, मैं अपना उसूल बता देती हूँ। पहला उसूल, हमें ना सुनने की आदत नहीं है, ठीक। और दूसरा उसूल, हमें जो कोई ना करता उसे फौरन सूट कर देते हैं, ठीक है। हमारी सवाल का जवाब सोच समझ कर देना, ठीक है। मिला होगा लाखन तुम्हें, दशा देख कर दिल दुखी है। अगर चाहूं तो जेल से मैं छुड़ा दूं, अगर चाहूं तो जेल से मैं छुड़ा दूं, अगर पूरी कर ला तो हसरत। मिनट के अंदर मुझे हाँ या ना का जवाब चाहिए, जल्दी करो। अरे मुझे काम अपना तुम दे, मुझे काम अपना तुम दे भी बता, करूं काम पूरा न दे।
समझदार लगते हो। और तुम्हें जब से देखा जवानी न बस में कमियत, तुम्हें जब से देखा जवानी न बस में, तुम्हें जब से देखा जवानी न बस में, अरे यूं ही टूटते रहे बदन सब, बदल सब हमारा, बदल सब हमारा, तू ही तू तेरे रे बदल सब। देखन जब मैंने तुम्हें पहली बार रात दरबार में देखा तभी से मेरा दिल तुम पर आ गया था। हम तुमसे बहुत पहले मिलने वाले थे लेकिन हमें मिलने का कोई चांस नहीं मिला, इसलिए मैं तुमसे मिलने जेल तक भी आई। और ये बताओ तुम कैसे डाकू हो यार, जो एक लड़की का रेप ना कर सके। किया तो चल दो आदमी थे, तेरा था सारा बंदूक लगा दिया। अच्छा कोई बात नहीं लाखन, मैं वादा करती हूँ तुम मेरा कहना करोगे तो एक ना एक दिन मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कर दूंगी। अगर तुम मेरा कहना करते जाओगे तो एक ना एक दिन मैं तुम्हें इस रियासत का राजा बनाऊंगी। सच जिंदगी भर आप साथ रहेंगे। सच हाँ सच कसम भगवान गंगा का सब राम। चलिए ठीक है लखन, जब से ला 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 बात आगे बढ़ाई, जब से ना लड़ाई बात आगे बढ़ाई, दिल भर चेहरा चमके पूरा मिली हम पतियाई तेरा, चेहरा चमके पूरा मिली हम पतियाई
यू अंडर अरेस्ट। अब तो मैं दुख हो रहा है। क्यों? जो दिले रही है। लखन, तुमसे मिलने के लिए मैं किसी से वक्त लेकर आई थी और हमारा टाइम पूरा हुआ। आज मैं तुम्हें जेल में डालती हूँ। अगर तुम मेरा कहना करते जाओगे तो आज के आठवें दिन मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कर दूंगी। चले हो मन के अरे मन छिवड़े आते मनवा, मन के अरे मन छिवड़े आते मनवा के बोले Hey